मेरा नाम संतोष अशोक गायकवाड़, पुणा में रहता हूँ। समस्त हिंदू आघाड़ी पुणे शहर का संगठन प्रमुख काम करता हूँ। गोरक्षण जो पुणे शहर में पुणे जिला के अंदर जो गाय कत्ल खाना जाती है वो गाय बचाने का कार्य हम करते हैं। बापूजी को झूठे केस में फंसाया गया है और बापूजी निर्दोष है। हम सब गो सेवक बापूजी के साथ है। प्रशासन से यही हम ये करेंगे कि बापूजी निर्दोष है और बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहाई करें, क्योंकि यही कहना है कि बापू को जल्द से जल्द सरकार बेल दे और बापू पे जो भी मामले चल रहे हैं उन जल्द से जल्द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलनी चाहिए। जय श्री राम। मेरा नाम संतोष अशोक गायकवाड़, पुणे में रहता हूँ। समस्त हिंदू आघाड़ी पुणे शहर का संगठन प्रमुख काम करता हूँ। उसके साथ गोरक्षण जो पुणे शहर में पुणे जिला के अंदर जो गाय कत्ल खाना जाती है वो गाय बचाने का कार्य हम करते हैं। हमको ये प्रेरणा पूज्य श्री संत श्री आशाराम बापूजी से हम मिली है। जब बापूजी को पूछा गया कोर्ट में कि आप इतने सारे गाय पालते हैं, तो बापूजी ने बोला कि हम गाय को नहीं पालते, गाय हमें पालती है। ये बापूजी का जो प्रेरणादायक वाक्य है, उस वाक्य से हमने गोरक्षण कार्य करते मन में ठान लिया कि अपन ने भी गोरक्षण का कार्य करना चाहिए और गौ सेवा करनी चाहिए। लेकिन बापू पे तो काफी गंभीर आरोप लगे, बापू जेल के अंदर बंद है, क्या कहोगे उसके बारे में? वो जो आरोप लगे है वो सब बेबुनियाद है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। बापूजी को झूठे केस में फंसाया गया है और बापूजी निर्दोष है। हम सब गो सेवक बापूजी के साथ है। चलो आज भी बापू का समर्थन करते हैं? हाँ, आज भी हम पूरे बापूजी का समर्थन करते हैं। क्या मांग करोगे सरकार से, प्रशासन से? प्रशासन से यही हम ये करेंगे कि बापूजी निर्दोष है और बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहाई करें, क्योंकि बापूजी ने जो कार्य किया है, जो गौ सेवा का कार्य किया है, भारतीय संस्कृति का रक्षण का कार्य किया है, उसका कोई मोल नहीं कर सकता, कोई तुल्य नहीं कर सकता। इसलिए बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहाई करना चाहिए। सलमान खान को जब वो राजस्थानी कोर्ट में हारा था, तब उनके लिए जमानत के लिए पूरा सोशल वर्क एक्टिविटी दिखा के उसकी जमानत हो गई है। तो बापूजी का सोशल वर्क एक्टिविटी पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है और जिसके लिए भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा रक्षण होता है और बहुत भारतीय लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा होता है। इसलिए बापूजी को जल्दी से जल्दी बेल मिलना चाहिए। आपने देखा ये भाई गौ रक्षा दल के मेन है, इन्होंने यही बताया कि हमने बापू से ही प्रेरणा ली थी। बापू के हर आश्रम में गौशाला चलती है और निवाई सोपुर में बड़ी गौशाला है, जहाँ गायें कत्ल खाने जाती है वहाँ बापू और बापू के भक्त उनको ले आते हैं और उनके आश्रमों में वो रखते हैं और गायों की सेवा करते हैं। इनका यही कहना है कि बापू को जल्द से जल्द सरकार बेल दे और बापू पे जो भी मामले चल रहे हैं उन जल्द से जल्द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलनी चाहिए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, आलंदी, पुणे, महाराष्ट्र, रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल